अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिनाज डायरी। तो कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ मैं आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो आज सरोजी नगर मार्केट की वीडियो है और आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। और विंटर वेयर तो काफ़ी अच्छे मार्केट में मिल ही रहे हैं और अब सेल पे सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आई है तो ठंड की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आपको स्टॉल और शॉल दोनों दिख रहे हैं। ये शॉल है तो ये 550 के प्राइस रेंज में है और यहाँ पर स्टॉल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कश्मीरी कढ़ाई के हैं, प्रिंटेड वाले हैं, सीक्वेंस वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है 300-350 की है, ये जो है ये वाली 350 की है। तो बहुत सारी आपको वैरायटी, डिज़ाइन, कलर यहाँ पर सरोजी नगर मार्केट में मिल जाएंगे। और ये शॉप नंबर 36 के आगे वाली शॉप है। 350 ये इसकी कितने की है? 300 का 6 और ये ट्रे का और ये सब 100 या 150। तो स्टॉल वाली शॉप के आगे ये क्रॉकरी की भैया ने स्टॉल लगाई हुई थी। तो यहाँ पे कप जो थे 600 के हैं, बॉटल 350 की, इस तरह की ये जो बोल विथ ट्रे हैं वो 150 की, ये छोटे वाले चटनी वाले 30 का एक मिलेगा और 100 के 4। तो अलग अलग प्राइस के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। यहाँ पर जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये 550 के प्राइस रेंज में उलन सूट है प्रिंटेड के और काफ़ी अच्छी, इससे भी बेटर क्वालिटी में भी आपको मिल जाएगी। जैसे प्रिंटेड वाले हैं और भैया ने यहाँ पे कढ़ाई वाले भी देखा है। सब स्टॉल के साथ ही हैं और ऊपर जो स्टॉल है 400। तो यहाँ पर मैं कुर्तियाँ दिखा रही हूँ जो उलेन ही है और 350 के प्राइस रेंज में ये वाली कुर्ती है और कुर्ती विथ पैंट और प्लाजो भी मिल जाएंगे। तो ये वाले भी हैं, ये 750 के प्राइस रेंज में फिक्स प्राइस होता है, यहाँ पे भैया कुछ भी कम नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम ये वेंट चैम वाली शॉप में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे 250 का। तो यहाँ पर मैं लोकेशन दिखा रही हूँ और यहाँ पर ये शॉप नंबर 43 है और जस्ट इसके अपोजिट ये लेन है। और यहाँ पर आपको साड़ी की बहुत सारे शोरूम नज़र आएंगे और बाहर जो डिस्प्ले में लगा है काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं 500-600 के प्राइस रेंज में। अगर आपको इस तरह के प्राइस रेंज में साड़ी चाहिए तो ज़रूर जाएँ सरोजिनी नगर। और ये 30 रुपये में इस तरह की इयरिंग। और यहाँ पर फिर से मैं आती हूँ, सूट और स्टॉल दोनों की शॉप है। तो 650 के प्राइस रेंज में काफ़ी खूबसूरत और अच्छे अच्छे सूट आए हुए हैं और स्टॉल भी हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये लोकेशन है, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये शॉप्स और इसके जस्ट अपोजिट है। और अब मार्केट में अब तो सेल भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर वेलवेट के 550 के ट्रैक सूट बोलूँ या नाइट सूट बोलूँ, इस तरह के ये सेट 550 के प्राइस रेंज में है। तो सरोजिनी नगर में आपको वेराइटी सारी चीज़ों की बहुत अच्छी मिल जाती है। इसमें एक कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और ये बाटा वाले शोरूम के जस्ट अपोजिट। 150 में ना। तो यहाँ पे ये जो गर्म पजामा है 150 के प्राइस रेंज में, कहीं कहीं ये 200 के मिलते हैं बट भैया 150 में दे रहे हैं। और बच्चों के ये वेलवेट के ही ट्रैक सूट है 650 या 600 के प्राइस रेंज में है और काफ़ी अच्छा। यहाँ पर सिर्फ बच्चों का आपको देखने को मिलेंगे, स्वेट शर्ट है, जैकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 600 भैया ने बताया था प्राइस। और यहाँ पे ये इस तरह के सिर्फ पजामे हैं जो 12-13 साल तक के बच्चों को आ जाएंगे, 200-200 के हैं वेलवेट के। तो कलर ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और ये वाली शॉप से बच्चों की है, ये फिर से कुर्ती है और भैया ने इसका प्राइस 350 बताया।
200 में यहाँ पर स्वेटर की हैंगर है, काफी अच्छा अच्छा कलेक्शन है सर की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया, तो आपको जगह जगह से के हैंगर मिलेंगे, 200 150 तक के भी नजर आते हैं। तो कलेक्शन काफी अच्छा है सरोजी नगर में, तो ऐसे भी विंटर वेयर या विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा आता है। और ये यहाँ पर शॉप है इसके जस्ट अपोजिट है। इसके अलावा आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी मेंस के लिए, जिसमें आपको स्वेट शर्ट, शर्ट, उलन शर्ट, ट्रैक सूट और ये इस तरह की क्राउड है और मार्केट में तो होती ही है, और स्पेशली सरोजी नगर की मार्केट में तो खास के आपको नजर आएंगे। और अब मैं आगे हूँ, यहाँ पे वेलवेट की बेडशीट है और फिर से मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ। मैं वीक डेज पे ही गई थी, अगर आप सैटरडे संडे जाने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और देख सकते हो आप कि किस तरह से सारी जगह आपको भीड़ ही नजर आ रही है। और ये वाली ये बेडशीट है भैया ने इसका प्राइस 550 बताया, फिक्स प्राइस है और विदाउट पिलो कवर है। मैं देख रही थी कि शायद कुछ पिलो कवर वाले मिले तो मैं ले लूं, तो उस तरह से मुझे नजर नहीं आया। और 350-550 के प्राइस रेंज में जैकेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर से आपको मेंस के स्वेट शर्ट 250 के हैंगर में है। तो सरोजी नगर में आप चलते जाओगे और आपको हर जगह आपको मतलब इस तरह के आपको हैंगर नजर ही आएंगे। पर्टिकुलर मैं एक शॉप नहीं बोल सकती हूँ कि आप यहाँ जाओ तो आपको यही मिलेंगे। तो अभी मैं ये थी ये हल्दीराम वाला ये जो ये मॉल है इसके जस्ट अपोजिट में, और यहाँ पर फिर से भैया इसी तरह की वेलवेट की बेडशीट है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि भैया ने इसका क्या प्राइस बताया। तो यहाँ पर जो प्राइस है भैया ने डिस्प्ले में लगा के रखा था 550 की, ये सारी आप बेडशीट बोलो या फिर आप ओढ़ भी सकते हो, एक तरह से मिंक ब्लैंकेट है, एसी ब्लैंकेट भी बोलते हैं इसको, तो मैं मोस्टली इसको बिछाने में यूज करती हूँ। तो इस तरह की मेरे पास भी काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन है और आपको पूरे मार्केट में नजर आ जाएंगे। थोड़े मोटे वाले भी मिल जाएंगे, उससे मोटे भी ओढ़ने के लिए मिल जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है। मैंने नहीं पूछा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और ये बेडशीट भी यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर ये पिलो कवर के साथ वाली है, तो इसका प्राइस भैया ने 750-850 इस तरह से बताया। कॉटन की भी बेडशीट मिल जाएगी, और मैंने आप सबको दिखा दिया था कि कहाँ पर ये वाली शॉप है, ये 550-750 के प्राइस में बेडशीट है, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने ही है। और यहाँ पर जैकेट है, और यहाँ पर ये नाम है शॉप का ट्रेनोस। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा कलेक्शन है। तो मैं ये बोलूंगी कि सरोजी नगर मार्केट में आपको कुछ भी लेना है, बजट फ्रेंडली मार्केट है, ए टू जेड चीज आपको मिल जाती है। तो अब हम बाहर रोड पर आ गए, और आंटी यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी बेच रही थी वो सिर्फ 100 रुपीज की है, और ये वाले मॉल के जस्ट सामने ये वाली आंटी बैठती हैं। तो काफी अच्छी ऑक्सीडाइज यहाँ पर आपको ज्वेलरी पेंडेंट सेट भी थे, आपको चोकर में भी थे, बैंगल भी थे, सारा कुछ था। और भैया यहाँ पे बुक सेल कर रहे हैं 150-200 के प्राइस रेंज में, ये बुक दे देते हैं। काफी अच्छे अच्छे स्टोरी बुक है, मेरे बेटे ने यहाँ पर से बुक ली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक कमेंट शेयर से बहुत मोटिवेट होते हैं। ठंड की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।